राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से, अजमेर की तरफ से ये न्यू एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है। स्क्रीन पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, 5/7/2023 के डेट में ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है। विधिक एवं विधि कार्य विभाग की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है। 140 पदों पर, नॉन टीएसपी पोस्ट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और इसकी एज लिमिट क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, यानी कि फुल डिटेल आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। नॉन टीएसपी पोस्ट के लिए 134 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल के लिए 35 है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है, WD के लिए 4 हैं और DV के लिए 1 पोस्ट है। ये आपके जो पूरे पोस्ट हैं, ये इसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि TCSP क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी TSP क्षेत्र एवं गैर TSP क्षेत्र के पदों के संबंध में प्राथमिकता का क्रम जो इनमें रेफरेंस दिया जाएगा वो अत्यधिक रहेगा। यानी कि अगर आप TSP क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो शायद थोड़ा सा अधिक दिया जा सकता है। इनका क्या प्रोसेस रहेगा, आपको इसमें एडवर्टीजमेंट जो रिलीज किया जाएगा एग्ज़ाम डेट के बाद, वो फिर उसके बाद पता चलेगा। इसकी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पर आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर आपने इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अंतिम वर्ष की परीक्षा पूर्ण की है, यानी कि अगर आपने LLB कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। इसमें साक्षात्कार के पूर्व आशय साक्षात की प्रक्रिया संपन्न होने वाली है। इसमें जो आपको सैलरी पेमेंट की जाएगी, इसमें 3600 ग्रेड पे के हिसाब से आपको सैलरी पेमेंट दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो इसमें 1/4/2024 के डेट से आपकी एज लिमिट कैलकुलेट की जाएगी, जिस जहां पर आपकी एज 21 वर्ष और 40 वर्ष क्रॉस नहीं होनी चाहिए 1/1/2024 की डेट में। और सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट एज लिमिट से रिलेटेड ये है कि यहाँ पर दिया है 23/9/2022 के अनुसार जो व्यक्ति 31/12/2020 को आयु सीमा के भीतर था, उसे 31/12/2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। इस पॉइंट को आपको माइंड में रखना होगा। इसके बाद इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एज रिलैक्सेशन जैसे हर वैकेंसी में दी जाती है, उसी तरह से बिल्कुल सेम इसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ ही इसके अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो उसमें आपका रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर बताया गया है अक्टूबर मंथ में कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन की तिथि है वो 10/7/2023 से 9/8/2023 रखा गया है। इसमें आपको ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि rajasthan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आप विजिट करेंगे, वहाँ से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से फिल करेंगे। अगर आपने OTR का फॉर्म फिल कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को वहाँ से फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 600 जनरल के लिए है, इसके साथ OBC, OBC NCL जो भी कैटेगरी है उन सभी के 400, 400, 400, EWS के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फीस पेमेंट करने के लिए रखा गया है। इसके सिलेबस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया से 50 मार्क, सिविल प्रोड्यूसर एंड क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड का जो पेपर रहेगा उससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
एक्ट वगैरह से 50 क्वेश्चन रहेंगे, जर्नल हिंदी से 25 और जर्नल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में जैसे ही आप आएंगे आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, इसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। और इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो अपडेट था वो दे दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।